इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन। पिछले वीडियो में हमने परम्यूटेशन की बात की, पहले फैक्टोरियल की बात की, फिर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है ये देखा, अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन यानी क्या होता है? तो देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसा है कि मान लो हमारे पास n चीजें हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसमें से r चुनना है, कोई r ऑब्जेक्ट चुनना है, कोई भी r, सब समान है, एक जैसे है बिल्कुल, वो सब में एक ही, बिल्कुल एक जैसे, एक जैसे का मतलब एक ही क्वालिटी के है, पर है दिखने में अलग अलग। तो इनमें से r चुनना है, या जैसे तुम ये समझ लो ना भाई, 10 स्टूडेंट्स है, अलग अलग दिख रहे 10 स्टूडेंट, और हमको एक टीम बना के, मान लो किसी कॉलेज में 10 स्टूडेंट है और एक चार लोगों की टीम भेजनी है प्लेइंग खेलने के लिए, टीम चार की टीम बना, चार प्लेयर भेजना है, 10 प्लेयर है, सब इक्वल कैलिबर के हैं, पक्षपात नहीं करना है हमको, बिना पक्षपात किए ये 10 में से चार को निकाल कर कोई भी चार भेजना है, चार की टीम बनाना है। तो सवाल आता, कितनी डिफरेंट टीम्स हम बना सकते हैं, कितनी डिफरेंट टीम बनेगी, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। अभी अरेंजमेंट नहीं करना है हमको, अभी क्या करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r का सिलेक्शन करना है, एनी r, ये n में से कोई भी r, ऑफ कोर्स r विल बी लेस देन n, ऑफ कोर्स वो तो रहेंगे। तो द नंबर ऑफ टीम्स या नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ कमिटी या नंबर ऑफ सेट्स कितने बना सकते हैं, विल बी एन सी आर, उसको लिखते हैं एन सी आर कॉम्बिनेशन, सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। तो एन सी आर का मतलब क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर का सिलेक्शन, कोई भी आर, ये आर नहीं तो वो आर नहीं तो इसमें से एक निकाल दो, दूसरा डाल दो, ये निकालो वो डाल दो, ये दो निकाल लो वो निकाल दो डाल दो, ऐसा करके आर आर हर टीम में आर ही लोग होना। तो ऐसी कितनी डिफरेंट टीम्स हम बना सकते, कितने डिफरेंट ग्रुप्स हम बना सकते, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी एन सी आर, नंबर ऑफ ग्रुप्स की जो भी संख्या आएंगी उसको एन सी आर कहते हैं। देखो एन पी आर और एन सी आर में फर्क है, एन पी आर में क्या था कि एन डिस्टिंक ऑब्जेक्ट को में से आर को लेकर हमको आर कुर्सियों पे बिठा के फोटो खींचना था, यहाँ फोटो नहीं खींचना है, यहाँ हमको सिर्फ आर की टीम बनानी है बस, और वो टीम कितनी डिफरेंट टीम्स है, कितने डिफरेंट ग्रुप बना सकते, तो ग्रुप्स की संख्या है एन सी आर, वो अरेंजमेंट्स की संख्या थी, ये ग्रुप्स की संख्या है। तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लो, जब भी अरेंजमेंट की बात आए किसी भी प्रॉब्लम में, अगर अरेंजमेंट करना है, फोटो खींचना है, तो पी आएगा, और जहाँ सिलेक्शन करना है वहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा। ये प्रॉब्लम पढ़ते से ख्याल में आना, कहाँ पी लगेगा और कहाँ सी लगेगा, ये बेसिक फर्क है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन। जब अरेंजमेंट करना हो तो परम्यूटेशन, परम्यूटेशन अरेंजमेंट के लिए रहता, और जहाँ सिलेक्शन करना है तो वहाँ पर आएगा कॉम्बिनेशन। तो ये एन सी आर का मतलब होता। अब सवाल है कि एन सी आर और एन पी आर में क्या कनेक्शन आएगा, वो देखते हैं। तो लेट देयर बी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स या टीम्स या कमिटीज विच कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एनी आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज एन ऑब्जेक्ट्स, इन एन में से कोई भी आर ऑब्जेक्ट लेकर हमको टीम बनानी है, आर आर ऑब्जेक्ट से टीम बनानी है। द नंबर ऑफ ग्रुप विच कैन बी फॉर्म
by taking any r objects out of these n objects is denoted by ncr. That is, number of groups will be ncr, and each group will contain a number of, main aur kar deta, number of different group. हर ग्रुप अलग रहेगा, क्योंकि हर ग्रुप में कम से कम एक मेंबर तो भी बदला हुआ रहेगा. तो कितनी डिफरेंट टीम या कितने डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं हम, एनसीआर. एन में से आर आर ले लेके ले लेके ले लेके ये आर नहीं तो वो आर नहीं तो वो आर नहीं तो इसमें का एक कम कर निकाल दो, वो इसकी जगह वो डाल दो, दो कम कर दो, ये दो कम कर दो, वो दो डाल दो, ऐसा करो वैसा करो, तो कितने ग्रुप्स आएंगे टोटल, एनसीआर. अच्छा, हर ग्रुप में कितने मेंबर रहेंगे, हर ग्रुप में कितने मेंबर रहेंगे, सोचो सोचो इस प्रोसेस में हर जो टीम रहेंगी कितने ग्रुप रहेंगे, हर ग्रुप में कितने मेंबर रहेंगे. हाँ, तो ईच ग्रुप विल कंटेन आर मेंबर्स. अरे हमने आर ही चुने ना, एन में से कोई भी आर चुने ना. हाँ, आर का हर ग्रुप में आर मेंबर रहेंगे. अब बोलो ये आर मेंबर लेकर, समझो हमने को, चलो कोई भी एक ग्रुप लो उसमें कितने मेंबर है, आर. अब इस एक टीम, ये जो एक टीम है आर की, ऐसे टोटल टीम्स तो एनसीआर आ गई, टोटल टीम्स की संख्या कितनी आएंगी, एनसीआर. ठीक है, अब कोई भी एक टीम लो उसमें कितने मेंबर है, आर. इन आर को अगर फोटो निकालनी है, अब इन आर की कितनी फोटो निकाल सकते हैं हम, आर की कितनी डिफरेंट फोटो निकाल सकते हैं आर कुर्सियों पे बिठा बिठा के. हाँ, तो ईच ग्रुप विल कंटेन आर मेंबर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स number of different arrangements in which these R members can be placed on R places will be आर फैक्टोरियल. अभी पिछले अपने परमुटेशन के फॉर्मूले से, अब यहाँ परमुटेशन शुरू हो गया ना, आर लोगों को आर कुर्सियों पे बिठाना है, कितने तरह से बिठा सकते हैं, आर फैक्टोरियल तरीके से, बराबर है. यानी बोलो बोला हर ग्रुप की कितनी फोटो बनेंगी, अरे एक ग्रुप लिया तुमने, एक ग्रुप की कितनी फोटो बनेंगी, एक ग्रुप में आर मेंबर है ना, तो इनकी कितनी डिफरेंट फोटो बनेंगी, आर फैक्टोरियल. हाँ, तो दीज आर मेंबर्स कैन बी प्लेस ऑन आर प्लेसेस विल बी आर फैक्टोरियल. सो देयरफॉर number of arrangements, of course number of different arrangements number of different arrangement for each group will be r factorial. ek group ki r different r factorial photo banegi, ek group ki, क्योंकि उसमें आर मेंबर है, वो आर मेंबर को आर कुर्सियों पर कितने तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिटा सकते हैं, आर फैक्टोरियल तरीके से. हर ग्रुप की आर फैक्टोरियल डिफरेंट फोटो बनेंगी, और हमारे पास ग्रुप कितने हैं, एनसीआर. तो फिर बोलो बोला टोटल फोटो कितनी आएंगी, एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल. हाँ, तो देयरफॉर मैं यहां इधर फिर से लिखता हूं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट will be NCR multiplied by R factorial. हर ग्रुप की R factorial फोटो, और NCR पर ग्रुप्स है, तो टोटल N में से R कुर्सियों पर, N ऑब्जेक्ट्स में से R पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के कितनी फोटो निकाली जा सकती, NCR multiplied by R factorial. और इसको हम क्या कहते हैं, NPR. ये NPR ही है ना, ये NPR ही हुआ ना, N में से R को उठा के फोटो खींचना, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोज जाएंगे NPR. तो ये है NCR और NPR में कनेक्शन, NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल इक्वल टू NPR. दोनों चीजों में फर्क है, यहाँ क्या है, N ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स तो N ही है, डिस्टिंक्ट N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है,
उसमें से आर लेकर फोटो खींचना है आर को, आर कुर्सियों पे बिठा के, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोज आएंगे एन पी आर। और एन सी आर का मतलब क्या होता है, एन में से आर लो, इनके ग्रुप बनाओ, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या आएंगे, एन सी आर। ठीक है, अब एन सी आर और हर ग्रुप की फोटो कितनी आएंगी टोटल, हर ग्रुप में आर मेंबर है तो उनकी आर फैक्टोरियल फोटो आएंगी, तो टोटल एन सी आर ग्रुप्स की कितनी फोटो आएंगी, एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल विच इज एन पी आर। तो ये है एन सी आर और एन पी आर में फार्मूला, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते एन सी आर इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ये भी चलता अगर ये आर फैक्टर उधर डिवाइड कर दिया था। इम्प्लाइज, अच्छा अब इसके लिए फैक्टोरियल में फार्मूला बन सकता, एन पी आर का फार्मूला क्या याद करो जरा, परम्यूटेशन में हमने प्रूव किया था एन पी आर होता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और अपॉन आर फैक्टोरियल। तो बोलो बोला फिर एन सी आर का फार्मूला क्या हो गया, एन सी आर का फार्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल से एन पी आर के फार्मूले को आर फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो एन सी आर आ जाएगा। वैसे ये फार्मूले भी यूज में आते कई बार, तो एन पी आर आएगा इतना एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन एन सी आर आएगा फैक्टोरियल आर से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है कॉम्बिनेशन का मतलब और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन। तो फिर बोलता हूँ मैं परम्यूटेशन का फार्मूला कब लगेगा, परम्यूटेशन कब होती है जब हमको लेना है बिठाना है फोटो खींचना है अरेंजमेंट करना है तो और नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट गिनना है तो परम्यूटेशन। लेकिन अगर सिर्फ सिलेक्शन करना है ग्रुप बनाने के कमेटी बनाने के टीम्स बनाने की है तो वहां पर आ जाएगा कॉम्बिनेशन। तो यह है कॉम्बिनेशन। अब कुछ कनेक्शन और देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नंबर वन पहली बात तो ख्याल रखो एन पी जीरो और एन सी जीरो वन होता, नीचे अगर जीरो है ये कन्वेंशन है याद रख लो एन सी जीरो या एन पी जीरो वन होता। नंबर टू एन पी वन और एन सी वन ये भी वन होगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखो, जीरो वाला तो हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते वन वाला कर सकते। कैसे, मान लो एन पी वन का मतलब क्या होगा, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है और एक कुर्सी है, एन ऑब्जेक्ट्स है एक एक कुर्सी में बिठाना है, कितने तरह से कितने डिफरेंट तरीके से बिठा सकते, तू बैठने दे तू बैठने दे तू बैठने दे तू बैठने दे तू ने कितने तरह से बिठा सकते सिर्फ एन तरीके से, तो एन पी वन क्या आएगा वन, अरे सॉरी एन सी वन इट विल बी एन वन नहीं एन पी वन या एन सी वन एन आएगा। हाँ तो एक कुर्सी है हमारे पास और एन ऑब्जेक्ट्स है, पकड़ पकड़ के बिठाना है, कितने डिफरेंट तरीके से बिठा सकते हैं एन तरीके से। अच्छा एन सी वन का मतलब क्या होगा, एन सी वन का मतलब क्या होता कि भाई एन ऑब्जेक्ट्स है हमको एक को चुनना है, एन में से एक को चुनना है, कितने तरह से चुन सकते, तू आ जानी तो तू आ जानी तो तू आ जानी तो तू आ जानी तो तू आ जाए, कितने तरीके आएंगे एन तरीके आएंगे, तो एन पी वन और एन सी वन भी एन होगा, ये दोनों इक्वल होंगे रैन से इक्वल होंगे। लेकिन बाद में जब ये संख्या बढ़ जाती टू थ्री हो जाती तब ये फार्मूला वो वाला लग जाता, लगे तो मैं फिर से लिख देता एन पी आर इज इक्वल टू है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड एन सी आर है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर का ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला और दोनों के बीच का कनेक्शन भी हमने देखा एन सी आर इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अच्छा कॉम्बिनेशन के कुछ और फार्मूले भी हैं, वो भी बहुत लगते हैं। नंबर फाइव एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर, ऐसा रहा। और एक हमेशा ख्याल रखना, चाहे परम्यूटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, ये नंबर हमेशा छोटा रहना चाहिए इससे, या मैक्सिमम बराबर रहेंगे बस, ये नंबर बड़ा नहीं होना,
नीचे का नंबर छोटा होना छोटा होना छोटा होना इससे, या बराबर भी रहा तो चलेंगे, हैं ये ख्याल रखना। एन सी आर यानी एन सी एन माइनस आर, एन सी आर ये भी बहुत बार यूज करेंगे हम, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसका और इसका आंसर सेम आएगा पक्की बात है। सी के लिए, पी के लिए नहीं है ये, सी के लिए एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन सी एक्स, इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, ये भी ध्यान रखो, अगर मान लो तुमको कहीं आया ऐसा एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो देन या तो x इक्वल टू y, या तो x और y इक्वल रहेंगे, और दूसरा ये भी हो सकता x प्लस y इक्वल टू n। ये x और y में दो टाइप के रिश्ते रहते, या तो x और y इक्वल रहेंगे, या x प्लस y का एडिशन n होना चाहिए, वो इस फॉर्मूले से आ जाता है, क्योंकि देखो ना एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये प्लस ये n ही होता ना, देख लो। और एक फार्मूला लिख लो या याद कर लो, पर हर एक का बेसिक देखो, खुद सोचो, परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन। हाँ बोलो, एन पी एन कितना होता, कितना होता था, देखा था हमने एन पी एन, एन ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेसेस पर बिठा बिठा के कितनी फोटो खींची जा सकती थी, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। बट एन सी एन कितना होगा, चलो ये बोलो एन सी एन कितना होगा। अब एन सी एन का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट है उसमें से एन को चुनना है हमको, एन में से एन चुनना है, कितने तरह से चुन सकते हैं, एन में से एन चुनना है, 11 लोग है 11 चुनना है, कितने तरह से चुन सकते, एक तरीके से। अरे मान लो हमारे पास 11 प्लेयर्स है और हमको 11 की टीम बनानी है, कितने तरह से बना सकते हैं, काय कितने फजरते तरीके बनाएंगे, 11 में से 11 को उठाओ भेज दो। अरे हमारे पास अगर किसी कॉलेज में 11 ही प्लेयर है बस, निकले ही नहीं ज्यादा, ज्यादा है ही नहीं, 11 ही है, और क्रिकेट की टीम भेज जाए, भेजना तो है, कितने तरीके से भेज सकते बोलो, 11 में से 11 का सिलेक्शन कितने तरह से कर सकते हैं, उठाओ पूरे 11 को भेज दो खत्म। तो देखो एन पी एन एन फैक्टोरियल होता था, क्योंकि वहां पर हमको उनको बिठा बिठा के फोटो खींचना था, तो फोटो बहुत सारी आती, लेकिन अगर एन में से एन का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, तो एन में से एन का चुनाव एक ही तरह से कर सकते हो, उठाओ पूरे एन में से एन भेज दो। तो ये डेफिनेशन बहुत क्लियर रही तो ये फार्मूले भी बहुत क्लियर रहते, खैर ये भी याद रखना पड़ता, प्रॉब्लम्स इनको भी यूज करना पड़ता। अब एक चीज और मैं बताऊंगा, ये जो फार्मूला है ना एन पी आर का, ये फार्मूला और एन सी आर का ये फार्मूला, ये भी काम में आता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये एनपीआर और एनसीआर निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि फार्मूला यही यूज़ करेंगे, लेकिन ये फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट इसका फार्मूला याद करेंगे। कैसे देखो, प्रैक्टिकली कैसे निकालते प्रॉब्लम में एनपीआर और एनसीआर, इसको लगे तो ऐसा लिख दो, टू फाइंड एनपीआर एंड एनसीआर इन प्रॉब्लम्स, इसको सीधा देखो, और इसको एग्जाम्पल से देखो, 11P4 मान लो हमको निकालना है 11P4, वैसे इसका मतलब क्या होगा, मतलब भी दिमाग में रखो कि 11 लोग हैं और हमको 4 कुर्सी पे बिठाना है, कुर्सियां 4 है, 11 में से 4 उठा उठा के बिठाना है, फोटो खींचना है, तो कितनी फोटो आएंगी, हाँ तो 11P4। अब इसको सॉल्व करना है, वैसे अपन ये वाले फार्मूला से करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। एन पी आर का फार्मूला क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, हाँ यानी कितना हुआ ये देखो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, हाँ सॉल्व करो बोला जाए इसको। अब 11 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 11 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। अच्छा 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब जब ये सब इंटू इंटू में है तो काट सकते हैं, हाँ तो ये सब काट डालो, 7 से लेके आगे के पूरे कट जाते,
लगे तो वन को भी काट लो, सब कट गए, क्या बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 11P4 का आंसर ये आ जाता। तो इतनी मेहनत क्यों करना? हालांकि फार्मूला यही लगा रहा मैं, जो ओरिजिनल फार्मूला वही लगाया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब करने की, डायरेक्ट याद नहीं रख सकते। मैं तुमको तरीका बताता, 11P4 निकालना है ना, P11P4 निकालना है ना, क्या करना, 11 से शुरू करो, चार पायरी नीचे उतर जाओ इंटू इंटू करते हुए, बस। क्या याद करेंगे? 11P4 कैसे निकालना, 11 से शुरू करो, इंटू इंटू करते जाओ, एक एक कम करते हुए चार कदम नीचे उतर जाओ, 11 × 10 × 9 × 8 आ गया, ये 11P4। अच्छा, एंड 11C4 निकालना हो तो अब C के लिए क्या करेंगे? इसको सीधा सीधा 11P4/4 11C4 यानी 11P4/4। हाँ, तो इक्वल टू क्या आएगा बोलो? अब 11P4, ये 11P4 कैसे करना है? 11 से शुरू करो, चार पारी नीचे उतरो, 11 × 10 × 9 × 8, हाँ, और नीचे 4 factorial, 4 × 3 × 2 × 1। अब वो काट लो जो भी आएगा, वो कोई अलग बात है, ये 4 × 2 = 8 कट जाएगा, ये 3 × 3 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर इसका, वो जो भी आएगा 10 × 3 = 30 × 3 = 0, वो अलग बात हो गई, इसका भी आंसर आ जाएगा 11 × 10 × 9 × 8, कर लो। तो देखो, प्रैक्टिस कर लो, प्रॉब्लम में हमको ऐसे करना है, 11P4 पी निकालना है, 11 से शुरू करो, चार पारी नीचे उतर जाओ इंटू इंटू करते हुए, बट 11C4 निकालना है तो डबल मंजिला करना पड़ेगा, ऊपर 11 से शुरू करके चार पारी नीचे उतरो, 11, 10, 9, 8 अपान ये जो है इसका फैक्टोरियल, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार प्रॉब्लम से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे सॉल्व करते। और देखो, 10P7 अब जान दो भाई ईमानदारी से, नहीं क्या आएगा बोलो सीधा सीधा, 10P7 क्या आएगा? 10 × 9 × 8, बस 10 से शुरू करो, तीन पायरी नीचे, अरे सॉरी, सात पायरी नीचे उतरना पड़ेगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 1, 2, 3, 4, 5 × 5 × 4, 10 से शुरू करो, सात पायरी नीचे उतरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 से शुरू करके 1 तक का प्रोडक्ट, और अगर ये अब प्रोडक्ट कर दो जो भी आंसर आ जाएगा आ जाएगा, और अगर 10C7 निकालना है तो ये तो पूरा रहेगा ही, और अपॉन 7 factorial, इतना अपॉन में, यानी परम्यूटेशन के इसमें, परम्यूटेशन में सिर्फ इतना ही आएगा, 10 से शुरू करके सात पायरी नीचे उतरो, लेकिन कॉम्बिनेशन रहा तो ऊपर तो यही आएगा, 10 से शुरू करके सात पायरी नीचे उतरो, नीचे 7 से शुरू करके 1 तक चले जाओ, अब ये कट के जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन में हम एक और फायदा उठा सकते, देखो यही आंसर हम ऐसे भी ला सकते, वही है वो, ये जो प्रॉपर्टी अपन ने लिखी थी ना उस पर देखो, 10C7, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ सी में लगेगा, पी के समय नहीं, 10C7, हाँ, यानी 10C10 − 7 लिखा है अपन, NCR = NCN − R, हाँ, तो ये हो जाएगा 10C3, तो 10C7 = 10C3, तो फिर काय को इतनी सात की झंझट रखना, सीधा 3 से नहीं काम करना, 10C7 यानी 10C3, एंड अब 10C3 छुड़ाओ बोला, 10 × 9 × 8, 10 से शुरू करके तीन पायरी नीचे उतरो, और नीचे 3 × 2 × 1, तुमको जादू देखना, देख लो ये दोनों के आंसर सेम आएंगे, ये और ये सेम ही आने वाले हैं, पक्की बात है। पर ये सी में कर सकते थे, पी में नहीं करना कुछ भी, 10C7 − 7, ये कब करना, जब ये दोनों नंबर बहुत एक दूसरे के नजदीक रहे तो बहुत फायदा होता है। ऑल्सो अब समझो, 11C9
इलेवन सी नाइन। अब इलेवन और नाइन बहुत एक दूसरे के नजदीक है तो हम इसको वो फार्मूला लगा देंगे, इलेवन सी इलेवन माइनस नाइन यानी इलेवन सी टू। अब ये ज्यादा आसान हो गया, इलेवन सी टू, इलेवन इंटू टेन अपॉन टू इंटू वन, इलेवन से शुरू करके दो पारी नीचे उतरो अपॉन नीचे टू इंटू वन, आंसर आ जाता काट लो तो 55। तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पी की जरूरत, पहले तो प्रॉब्लम को पी सी में कन्वर्ट करो, फिर उनको सॉल्व करो, आंसर निकालो, वो सब चीज़ें हैं, बराबर है। तो ये हमारी तैयारी हो गई प्रॉब्लम्स के लिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, मीनिंग और तैयारी। अब इसके प्रॉब्लम्स करेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।